हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी एम आई होम बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स टी आर। टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो बेटा, हमने अब तक जो डिवीजन सीखे थे वो किस मेथड से सीखे थे? डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब कि बहुत सारे बच्चे थे जिसको देख कर ही मालूम पड़ जाता था, सर इसका आंसर मुझे आता है, सर इसका आंसर मुझे आता है, ऐसा गूगल मीट में मुझे बोलते भी थे। तो बेटा, अब सभी बच्चे हैं यही मेथड से सम करेंगे, और यह मेथड सबसे बेटा आसान है, सबसे शॉर्ट वाला, उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल थ्रू जाते हैं कि ये डिवीजन है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल वो कैसा होता है। देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, कोई भी रेंडम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू डैश 12 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे डिवाइड किसको होना है। यहाँ पे डिवाइड किसको होना है? 12 को होना है। मतलब कि ये क्या हुआ, टू बी डिवाइडेड, मतलब कि ये डिवाइड होने वाला है 12। और 12 को डिवाइड कौन करने वाला है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करने वाला है? तो 3 करने वाला है। तो मतलब कि इट डिवाइड्स, मतलब कि ये 3 जो है हमारा वो 12 को डिवाइड करने वाला है। तो बेटा कैसा करेंगे, जो डिवाइड करने वाला है ना उसका टेबल हम बोलेंगे दिमाग में। ठीक है, तो दिमाग में कैसे बोलते हैं टेबल? 3 का टेबल तो आपको आता ही होगा, 3 1 3। देखो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देखो बेटा, 3 का टेबल हमने बोला और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ गया, 12। तो यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि 12 का ही तो डिवाइड करना था। तो आंसर निकल के क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कहाँ पे 12 आया, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आया, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4, 3 4 12। समझ में आई बात? तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात थी, सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो बेटा, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐसे होता है, मतलब कि ये जो हमारा डिवाइड करने वाला नंबर है उसका हम टेबल दिमाग में बोलेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो देखो, 12 आ गया, तो रुक जाएंगे बेटा कहाँ पे आया, 3 4 पे आया। तो मतलब ये 4 है वो हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो बेटा ये सभी बातें तो आसान है, ये सभी को समझ में भी आ जाती है। जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से आता है वो बच्चा ये एग्जाम्पल वाले समय वो आसान से कर पाएगा। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है बेटा, हम टर्म्स ऑफ डिवीजन है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, ये नंबर जो है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो हमारा नंबर है उसको क्या बोलते हैं। जो भी नंबर डिवाइड होने वाला है, ठीक है, जिसका भी डिवीजन होने वाला है, उस नंबर को हम बोलेंगे डिविडेंड। उस नंबर को क्या बोलेंगे बेटा, डिविडेंड बोलेंगे। जो नंबर डिवाइड करने वाला है उसको हम बोलेंगे डिवाइसर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिवाइसर बोलेंगे। और जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलेंगे कोशंट। उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन। तो बेटा ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा मैं बात करूँ बेटा तो आप देखो, क्वेश्चन का आप मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो डिवाइड होने वाला है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड करने वाला है वो होता है डिवाइजर, और जो रिजल्ट निकल के आता है डिवाइड होके वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, टर्म्स है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना बेटा वो याद रखना, ये क्वेश्चन है उसका मल्टीप्लिकेशन पहले मैं
ये सॉरी ये जो कोशंट है बेटा उसका मल्टीप्लीकेशन मैं डिवाइजर के साथ करूंगा। कोशंट का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करूंगा बेटा? वो डिवाइजर के साथ करूंगा। तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए? डिविडेंड निकल के आना चाहिए। मतलब कि ऑलवेज ये हमारा डिविडेंड जो है, ये हमारा जो डिविडेंड है बेटा, वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, मतलब कि कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर ऐसा बोल सकते हैं। ये डिविडेंड है बेटा, वो देखो आप यहाँ पे डिविडेंड कितना था, 12 होगा। 12 वो कैसे आया, 12 कैसे है? कोशंट मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर 3। देखो 4 3 जा 12, ऐसे भी लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशंट। मतलब इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि डिविडेंड हमें ऑलवेज कैसे मिलेगा बेटा? कोशंट और डिवाइजर का मल्टीप्लीकेशन करने से मिलेगा। क्यों सर आप बार बार ऐसा बोल रहे हो? तो बेटा ये आईएमपी है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा ही दे पड़ता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें भी हमें मालूम होना चाहिए और ये सारी ट्रांसफॉर्म को याद होनी चाहिए बेटा। और ऐसे एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ये आपको नोट्स लिखने में काम आएगा। देखो यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाई क्वेश्चन आ गया 16 डिवाइडेड बाय 4, 25 डिवाइडेड बाय 5, 24 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। और यहाँ पे आ गया 50 डिवाइडेड बाय 10। देखो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो बेटा मैं सारे टर्म्स भी बोलता चलूंगा और उसके आंसर भी निकालता चलूंगा। तो बेटा ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जो 16 है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड बोलते हैं। उसको डिवाइड कौन करेगा? 4 करेगा, मतलब वो हमारा डिवाइजर है। जो डिवाइड करने वाला है वो हमारा क्या होगा? डिवाइजर होगा। ठीक है, तो मतलब 4 का टेबल डिवाइजर का हमेशा टेबल बोलते हैं। 4 का टेबल बोलो आप जब तक 16 नहीं आ जाता टेबल में। तो 4 वन सर 4, 4 टू सर 8, 4 थ्री सर 12, 4 फोर सर 16। मैं क्या यहाँ पे लिख दूंगा आंसर में बेटा? 4 4 है वो क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। अब देखो आप कोशंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर तो क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। क्या आएगा बेटा? डिविडेंड आएगा। देखो ऐसे टर्म्स दिमाग में बोलो आप, क्योंकि ये टर्म्स भी याद रखनी है। एक्सरसाइज में वो भी दिया है, वैसा क्वेश्चन भी दिखा, फाइंड आउट द कोशंट, फाइंड आउट द डिविडेंड, फाइंड आउट द डिवाइजर, तो वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे ही आप दिमाग में भी बोलते चलो, लिखते चलो। ठीक है, वैसे ही आप अपने नोट्स बनाओ। देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं, तो ये है हमारा डिविडेंड है 25। डिवाइजर कौन है यहाँ पे? डिवाइजर है 5। तो 25 डिवाइडेड बाई 5, तो कोशंट हमारा निकल गया है 5। क्यों 5 है भाई? क्यों 5 हमारा कोशंट आया? तो बेटा मैंने 5 का टेबल बोला, 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, तो ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा बेटा? कोशंट क्या हो गया हमारा? कोशंट हो गया। ठीक है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आप डिविडेंड आएगा आंसर में। कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर मतलब 5 5 आर 25। ठीक है, ठीक वैसे ही 24 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 का टेबल बोलना पड़ेगा। डिवाइजर का टेबल हम बोलते हैं, तो डिवाइजर पहचान में ही नहीं आएगा तो टेबल आप किसका बोलोगे? ठीक है, इसलिए डिवाइजर को पहचानना जरूरी है। डिविडेंड कौन है वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो डिवाइजर का टेबल बोलो आप, 8 1 8 8 2 16, 8 3 24। देखो 24 आ गया,
तो थ्री है वो हमारा क्या हो गया बेटा, कोशेंट हो गया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही टेन मल्टीप्लाई बाई वॉट इज इक्वल टू 50। तो आप बोलोगे सर टेन मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा क्वोशेंट। ठीक है, तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल के सम भी प्रैक्टिस करेंगे और सारे टर्म्स है वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेटा आज जो मैंने बोर्ड पे किया है वही आप सिर्फ अपने होमवर्क में नोट्स लिख लेना। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।